टेक्निकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी कैमरा क्वालिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों मैं ये सोचा है कि कैमरा की क्वालिटीज़ और फोटो पिक्चर्स कैसे हम क्लिक करें बेटर से बेटर, तो उसके ऊपर मैं एक सीरीज़ बनाने का शुरू कर रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप इस पर सीरीज़ चाहते हो। अगर 10 कमेंट इस पर मुझे मिल जाता तो मैं डेफिनेटली ये जो सीरीज़ है ये मैं शुरू करूँगा। इसमें आपको बताऊँगा, आपको मैं गाइड करूँगा कि आप पिक्चर्स कैसे बेटर से बेटर आप क्लिक कर सकते हो। इमेजेस इंस्टाग्राम के लिए, आपको पता है इंस्टाग्राम में अगर आप पिक्चर्स अपलोड करते हो, अगर आप कुछ भी इमेजेस अपलोड करो तो ऐसे आपको फॉलोवर नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह के इमेजेस आप अपलोड करोगे तो आपके फॉलोवर्स बढ़ने लगेंगे, तो वो उसके ऊपर मैं आपको सीरीज से बताऊंगा। इस वीडियो में अगर बता दूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाए, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। आप जरूर इसे ट्राई करके देखिएगा। पहला दोस्तों जो टिप है मैं आपको बता दूं कि आपके स्मार्टफोन में कई तरह के मोड्स मिलते हैं, तो जो मोड्स का जो काम है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि हर एक जो मोड है वो हमको कहाँ पर यूज करना है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वालिटी है वो हम कैसे इंप्रूव करा सकते हैं एक स्मार्टफोन की। आपको सबसे पहला क्या करना है, अगर आपको एक क्वालिटी पिक्चर्स क्लिक करना है तो आपको सिंपली ऑटो मोड पर रखना है। ऑटो मोड पर अगर आप रखोगे तो आप जब आप उस पिक्चर को कहीं पर दूसरे स्मार्टफोन में अगर आप शेयर करोगे तो वहाँ पर जो क्वालिटी उतनी खराब नहीं होगी, क्वालिटी वैसा होगा, पीसी में भी क्वालिटी सेम आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो है वो ऑटो मोड। अब दोस्तों जो सेकेंड जो चीज़ है इसके ऊपर भी कोई ध्यान देता नहीं है, आईएसओ। आईएसओ में दोस्तों क्या है कि आपको कई तरह के आईएसओ मिलते हैं, 200, 100, 200, 400, 800, 1600, हर एक लाइटिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब आपका लाइटिंग कंडीशन अगर अच्छा है तो आपको, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप डे लाइट कंडीशन में और लाइट काफ़ी अच्छी है तो वहाँ पर आपको 200 आईएसओ सेट करना है। अगर आप आर्टिफिशियल लाइटिंग में हो जैसा कि मैं हूँ तो यहाँ पर आपको 800 तक का आपको आईएसओ को सेट करना है। अगर आप एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में हो तो आपको 1600 का आईएसओ आपको रखना है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। उसके बाद एक सेटिंग पे मैंने वीडियो बनाई थी, कॉन्ट्रास्ट शार्पनेस सैचुरेशन, तो ये तीन ऑप्शन कैमरा डेवलपर ऑप्शन में आपको मिल जाता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मैंने एक लिंक के जरिए बनाई है, तो आप जब आप उस पर जाओगे तो आपको ऐसा आई एम नॉट अ रोबोट करके बताएगा, तो उस पर आपको नीचे जाना है, गेट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कैमरा क्वालिटी, वहाँ पर उसमें भी कुछ मैंने चीज़ टिप्स मैंने बताया कैमरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और काफ़ी ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है। अब दोस्तों बढ़ते हैं कि कैसे लाइटिंग कंडीशन में हमें पिक्चर्स को शूट करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस वक्त मैं जो बैठा हूँ, मैं लाइट मेरे ऑपोजिट में है, सामने है, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो या ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि लाइट जब आपके एकदम सामने होती है और कैमरा जब आप वैसे आप शूट करते हो तो उसमें लाइट काफ़ी अच्छी कैप्चर होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी इमेजेस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है एक कैमरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आप एक कैमरा बेटर पिक्चर्स अगर आप क्लिक करना चाहते हो, बेटर एक एक्सपोजर चाहते हो, तो आपके सामने एक बेटर लाइट होनी चाहिए। बेटर लाइट का मतलब है कि आपके सामने लाइट होना चाहिए, अगर मेरे पीछे लाइट होता तो मेरा फेस पूरा ब्लैक हो जाता, वो भी समझना है। दूसरा जो आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, यदि आप लाइट के सामने आप फोटोग्राफी कर रहे हो आर्टिफिशियल लाइट में हो तो वहाँ पर कुछ मिक्सचर लाइट अगर होता तो और भी क्वालिटी अच्छी हो जाती। यानी कि अगर मान लीजिए कि एलईडी लाइट या ट्यूबलाइट का जो वाइट लाइट होता है, तो वो जो वाइट लाइट अगर सिंगल वाइट लाइट में अगर आप फोटो लोगे तो उतना पंची कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि ऐसा आप लाइटिंग कंडीशन आप ढूंढिए जहाँ पर एक येलो लाइट भी होगा और एक वाइट लाइट हो, तो उससे कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों जो टिप आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर आपको क्या करना, आपको पता है फ्लैश लाइट होता है और डुअल टोन फ्लैश लाइट के बारे में आपको पता होगा। डुअल टोन फ्लैश लाइट का तो एक जो फ्लैश लाइट वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो होता है वो येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो आपको येलो लाइट पर आपको फोकस करना है, बिकॉज जो वाइट लाइट होता है इससे क्या होता है एक्सपोजर और जो वाइट कंट्रोल्स है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब आप फोटोज निकालते हो, जब आप सेल्फीज लेते हो या फिर आप किसी का रियर में फोटो, तो आप जो वाइट कलर का जो एलईडी लाइट उसमें आप एक उंगली रख देना और आपका जो येलो लाइट है उसे वर्क करने देना, तो उससे आपकी इमेज की जो क्वालिटी जो प्रोसेसिंग होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वाइट का इशू इतना एक्सपोजर का इतना इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको जो टिप बताऊंगा दोस्तों, टाइमर का एक आपको पता है कि अपने स्मार्टफोन में एक काउंटडाउन टाइमर होता है, इसका उपयोग काफ़ी लोग कम करते हैं सेल्फीज के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने स्मार्टफोन में टाइमर अगर आप लगाते हो 3 सेकंड का 5 सेकंड, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने स्मार्टफोन को एक स्टेबलाइज जगह पे आपको रखना है, स्टेबलाइज जगह पे, यानी कि आपको एकदम सेम रखना है, आपको हाथ में नहीं पकड़ना, बिकॉज अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो वो शेक तो होगा ही, बिकॉज हमारे स्मार्टफोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता है, वो तो फ्लैगशिप में होता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, टाइमर सेट करना और आपको अपने पोस्ट में खड़ा रहना है, और टाइमर जब आप शिफ्ट करोगे तो वहाँ पर आपको लाइटिंग और हर चीज़ आपको सही में आपको दिखेगा कि कहाँ पर बेटर लाइटिंग का मिल रही है, किस तरह से क्वालिटी आ रही है, वो सभी आप देख पा रहे होंगे, और उसी के मदद से आप फोटोज़ बेटर लाइटिंग में, मतलब कहीं पर भी आप सेट कर लो और आप वहाँ पर आप जा सकते हो और टाइमर के जरिए आप वहाँ पर पिक्चर आप क्लिक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों लास्ट एंड मेरा फेवरेट दोस्तों, जब भी आप
डे लाइट में आप फोटोग्राफी करते हो तो मैं आपको फोर्स करता हूँ कि HDR मोड आप ज़्यादा करके यूज़ किया करो। HDR मोड से दोस्तों कलर काफ़ी अच्छा होता है। अगर दोस्तों ये HDR हमारी वीडियो कैमरा में अगर दिया गया होता तो हमें DSLR की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना बढ़िया कलर ये निकालता है। तो HDR दोस्तों क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि हाई डायनेमिक रेंज इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई ऐसी जगह पे आप फोटो क्लिक करते हो जहाँ पर लाइट काफ़ी कम है तो उस स्टेज में क्या करते हैं आपकी जो पीछे की जो बैकग्राउंड है उसको भी वो काफ़ी लाइट अप कर देते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज से पूरे लाइट अप हो जाती है, कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप HDR का आप ज़्यादा इस्तेमाल करो। अगर आप डे लाइट में फोटोग्राफी अगर आप करते हो तो HDR से आपकी जो कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद बताऊंगा ग्रिड। आपको पता है कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ग्रिड नहीं दिए गए हैं। ग्रिड ऐसा है कि एक बॉक्स ऐसा होता है, उसे आपको क्लिक करना होता है। तो ग्रिड से क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कोई इमेज आप लेते हो तो उसका एक एंगल होता है, यानी कि आप फोटो ले रहे हो तो मेनली क्या होता है कि उसका जो इफेक्ट है वो उतना सिनेमैटिक नहीं आता, लेकिन ये जो क्या करती है वो बराबर से बस करता है। इससे क्या होता है कि फोकस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ग्रिड यूज़ करने से। तो आप इसे भी ज़रा ट्राई करिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो टिप्स मैंने आपको बताई है कैमरा क्वालिटी के ऊपर, या आपने यूज़ किए हैं या आप यूज़ करते हो, तो उसकी आपका एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसके साथ में प्रेस करना और मुझे बताना, कमेंट करना। 10 कमेंट अगर आती है तो मैं इसके ऊपर एक सीरीज शुरू करूंगा, पिक्चर्स, हाउ टू क्लिक बेटर पिक्चर्स। और जो ये वीडियो होगा ना ये बाकी सबसे अलग होगा, जो लोग आपको बता रहे हैं पिक्चर्स कैसे क्लिक करना है उससे काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलता पकड़ में, तब तक के लिए बाय।